हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला रेडी करूंगी। मसाले में मैं यहाँ पे दो बड़े साइज़ का टमाटर लिया, दो तीन हरी मिर्च का टुकड़ा, एक अदरक इंच एक टुकड़ा, दो प्याज लिया, 8-10 लहसुन की कली, 3 इलायची। मैं 8-10 काजू को भिगो के रखी थी, काजू का पानी निकाल के डाल दिया, थोड़ा सा ही पानी डाली। जो टमाटर का जो मॉइस्चर होता है उसी से ही हम पेस्ट बनाएंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, अभी अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तो बन के रेडी हो गया, उसके बाद हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। बटर मैं यहाँ पे 2 क्यूब बटर ले रही हूँ, बटर में ही फ्राई करेंगे। आप तेल में भी कर सकते हैं, पर मैं है पनीर बटर मसाला बना रही हूँ इसलिए पूरा इसमें बटर से ही बनेगा सब ग्रेवी। यहाँ पे मैं बड़े साइज़ में पनीर को काट लिया, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ रख सकते। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक तीनों को डाल के अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ये सब स्किप भी कर सकते। मैं इसमें बाद में एक और बटर का क्यूब डाली इसलिए ये झाग बन रहा है। पनीर बन के रेडी हो गया जो फ्राई किया था हमने। अब हम उसी कढ़ाई में ही ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे 4 बटर का क्यूब ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल भी डालूँगी ताकि बटर ना जले, खाली बटर रहने से जल्दी जलते हैं बटर। थोड़ा सा तेल डाल के अब इसमें हम जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग और सूखी मिर्च इन सबको डाल के फिर प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक ही भूनना है। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही प्याज को भूनना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली, नमक डाल के अच्छे से मिला लूँगी। कलर चेंज होने के बाद ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो प्यूरी बना के रखी। मैं यहाँ पे मसाला का प्यूरी डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। मसाले को मिलाने के बाद हम इसमें बाकी का मसाला डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालूँगी मैं यहाँ पे 2 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते। उसके बाद थोड़ा सा नमक, पहले मैं नमक डाली इसलिए अभी थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, इन सबको डाल के सब मसाला डाल के अच्छे से मिला लिया। अभी जो मसाले का जो पानी रहता है उसको डाल के अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद ढक के 5 मिनट तक रेस्ट दूँगी मसाले का जो तेल है वो निकलने तक। देखिए तेल निकल गया तो मसाला बन के रेडी हो गया। अच्छे से मिला के हम इसमें बाकी का, अभी मैं इसमें जो घर का मलाई होता है फ्रेश मलाई वो डाल रही हूँ। आपके घर पे मलाई ना हो तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी डाल सकते। मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाली, हरा धनिया और पनीर डाल के एक साथ मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसमें मैं गरम पानी डाल के जो ग्रेवी है वो बनाऊँगी। आप ठंडा पानी भी डाल सकते, पर गरम पानी डालने से जल्दी उबाल आता है इसलिए आप गरम पानी ही डालिए। अब मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल के मिला लूँगी। पनीर बटर मसाला बनके रेडी हो गया। अब मैं इसको सर्व करूँगी। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं सर्व किया गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, बटर का क्यूब और फ्रेश क्रीम, फ्रेश मलाई डाल के मैं सर्व किया। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे वीडियो कैसे लगी।